31 के मौके पर होटल और रिजॉर्ट्स में पार्टी करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नैनीताल पुलिस बिना परमिशन के होटल और रिजॉर्ट्स में पार्टी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने सभी ऐसे स्थान जहां 31 के आयोजन किए जाते हैं उन्हें पहले ही सूचना दे दी गई है कि कोविड-19 के व्यापक प्रकोप को देखते हुए 31 की पार्टी या गैदरिंग समारोह का आयोजन न किया जाए। अगर उसके बावजूद भी कहीं होटल्स रिजॉर्ट्स में इस तरह के आयोजन की जानकारी मिली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस द्वारा 31 पर रेव पार्टी और नशे को लेकर भी विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव का कहना है कि ऐसे आयोजनों में नशे का भी इस्तेमाल होता है, लिहाजा अब पुलिस सभी पर निगरानी रखेगी। बावजूद उसके अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पर किस तरह की नजर रहेगी आप लोगों की? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ इस बार जो है जो खासतौर से जो दूर के रिसॉर्ट्स वगैरह हैं हमारे बड़े, वहाँ पर नॉर्मली लोग जो है पार्टीज़ करते हैं न्यू ईयर्स के पर्पज़ से। हमने स्पेशली उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिया है कि किसी प्रकार की ऐसी पार्टीज़ जिसमें भीड़ भाड़ हो और कोरोना के नियमों का उल्लंघन हो, इनका कोई हमारी तरफ से अनुमति नहीं है पहले से। और हालांकि अभी तक किसी ने इससे अप्लाई भी नहीं किया है, फिर भी हम इस पर नज़र रखेंगे। हमने एक बार मैसेज उनको करवा रखा है और अगर उस रात में इस तरह की कोई भीड़ या अनावश्यक गैदरिंग होती है जो कोरोना के नियमों का उल्लंघन करेगी तो उनके विरुद्ध हम इसमें कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ऐसी चीज़ों में कभी कभी इन पार्टियों में नशीले पदार्थों का भी प्रयोग होता है। हमने इसलिए सादे में भी हम वहाँ पर उन क्षेत्रों में अपने आदमी हमने लगा रखे हैं और अपने मुखबिरों को भी हमने बोल रखा है कि ऐसी कोई भी सूचना होती है अगर उसका हम वीडियो या ग्राफिक करा करके ऐसी चीज़ों पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।